फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पावरफुल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको वीडियो का अंदर आपको दिखाऊंगा हाउ टू मेक HD प्लस प्रो थंबनेल। आप तो बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ किया, लेकिन ये एप्लीकेशन उससे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा ये एप्लीकेशन का कैसे फीचर्स आपको यूज़ करने हैं। हम आपको ये वीडियो का अंदर A to Z प्रोसेस बता दूंगा कैसे क्या करने हैं। चलिए वीडियो का अंदर देख लेते HD प्लस प्रो थंबनेल हाउ क्रिएट कैसे कर सकता। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको HD प्लस प्रो थंबनेल कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसका नेम है पिक्सलैब। आप पिक्सलैब यूज़ करते हैं, लेकिन तब भी वीडियो देखो, नहीं यूज़ करते हैं तब भी वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा HD प्लस प्रो थंबनेल कैसे बनाते हैं। चलिए पहले आपको एक थंबनेल हम क्रिएट करके दिखा दे रहे हैं। चलिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, डिलीट वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इमेज साइज चूज कर लेना है, इमेज साइज चूज कर लेना है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम वाला ऑप्शन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करो, ओके पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो यूट्यूब का थंबनेल का साइज है यहाँ पर आ गया। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है, फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको कोई भी कलर चूज करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो कलर है इसको कलर आप चेंज कर सकते हैं। एक कलर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कलर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रेड दे सकता हो, येलो देख सकता, लेकिन हम ये रेड येलो नहीं देगा, गार्डियन देगा। इसको लिए इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये वाला क्लिक करो, ये अच्छा कलर है, ये वाला अच्छा कलर है, हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ओके करना है, ओके कर देना है। फ्रेंड्स, ओके करने के बाद आपको एक कलर कॉम्बिनेशन, नहीं आप नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसे करना है आपको और एक वीडियो में दिखा दूंगा। चलिए हम HD प्रो प्लस थंबनेल कैसे बनाने हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले जाना है आपको कोई थंबनेल क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले कहाँ जाना है, आपको जो इमेज देना है तो इमेज पर जाइए। पहले आपको क्या करना है, प्लस वाला बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो गैलरी आएगा इसको सिलेक्ट करो। करने के बाद फोटोस इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो फोटोस आप रखा है वो फोटोस यूट्यूब पे देना चाहते हैं तो उसको क्लिक करो। हम ये वाला फोटो यूट्यूब पर थंबनेल पर लगाऊंगा तो ये फोटो सिलेक्ट करके ओके कर दे रहा है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको सामने ऐसे एक फोटो आ जाएगा। आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साइज रिसाइज करना है, यहाँ पर टैप करके आप साइज रिसाइज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स इसको एक साइड पर लगा देना है अच्छे से। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा हो गया, इसको रिसाइज करना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हो गया HD प्लस प्रो थंबनेल। आप तो थंबनेल बनाना क्रिएट करना जानता है, लेकिन आपको HD प्लस प्रो थंबनेल बनाने के लिए वीडियो पूरा देखना है। चलिए हम जाता है, इसको बाद आपको टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर क्लिक करो प्लस वाला बटन पर। उसके बाद टेक्स्ट, पहले वाला टेक्स्ट पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप जो थंबनेल बनाना चाहते हो वो लिखना है, हाउ टू मेक HD, हाउ टू मेक लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स इसको साइज ये वाला बटन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा साइज वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको साइज अच्छे से मिनिमाइज कर लेना है, आपको अच्छे से ठीक कर लेना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर साइज ये रख रहा 8x8। रखने के बाद फ्रेंड्स ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो ये लिखा हुआ है बोल्ड करना है, स्टाइल पर जाना है। जाने के बाद फ्रेंड्स बी पर सिलेक्ट करने है। करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स फॉन्ट इसके ऊपर जाने हैं। जाने के बाद आपको यहाँ पर से ये जो फॉन्ट है यहाँ पर देख सकता ये अच्छा फॉन्ट है, ये वाला सिलेक्ट करो आप। करने के बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाना है। फ्रेंड्स बैकग्राउंड पर जाने के बाद इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये कलर आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते आप ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स बैकग्राउंड पर दोबारा जाओ। जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जाओ। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको ठीक से लगाना है। यहाँ पर लेफ्ट राइट अच्छे से आपको देख लेना है। साइज छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर देने के बाद फ्रेंड्स बैकग्राउंड पर जाना है आपको। बैकग्राउंड कहाँ पर है, यहाँ पर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पर जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप दे सकता अच्छा से यहाँ पर कर लेने। करने के बाद फ्रेंड्स अच्छे से करो। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर रेडियस पर क्लिक करो। रेडियस इसको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकता इसको जो साइज है
छोटा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है लेफ्ट, इसको साइज रखना है राइट, इसको साइज ठीक है अच्छे से रखना है। उसके बाद ये वाला बटन ऐसे कर दीजिए, उसके बाद टॉप ऐसे रखिए, जितना आपको टेक्स्ट है उतना रखना है, अच्छा लगेगा। उसके बाद लेफ्ट फ्रेंड्स, उसके बाद इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रोक वाला बटन पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको स्ट्रोक दे देना है, ब्लैक स्ट्रोक, यहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट करना है। ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद इसको अच्छा से देखिए फ्रेंड्स, कितना आपको एच डी लग रहा है, एच डी प्लस प्रो कैसे लगेगा आपको दिखा दे रहा है। 140 किया, 14 किया, 14 करने के बाद फ्रेंड्स ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फ्रेंड्स इसको साइज ठीक कर लेना है, करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अच्छे से मेजरमेंट कर लेना है, करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स एच डी प्लस प्रो आपको लिखना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर जाओ, जाने के बाद फ्रेंड्स एच डी प्लस यहाँ पर से देना है, प्लस प्रो यहाँ पर देना है, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लेके आने हैं, आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको साइज भी ठीक कर लो, करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोल्ड करना है, बोल्ड स्टाइल पर क्लिक करो, बोल्ड बी पर क्लिक करो, ओके कर दो। उसके बाद फॉन्ट पर सिलेक्ट करो, करने के बाद आप कोई भी फॉन्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, एच डी प्लस प्रो थंबनेल, इसको बाद क्लिक कर दो। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाओ, ओके कर दो। ओके करने के बाद येलो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है येलो हम दे दे रहा, यहाँ से येलो हम सिलेक्ट कर दे रहा, करने के बाद इसे ब्लैक कर देगा तो अच्छा होगा, ब्लैक नहीं रेड, रेड अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता आपको जितना अच्छा लगेगा जो रेड, ठीक है रेड वाला ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉटम ठीक कर लेना है, आपको राइट ठीक कर लेना है, उसके बाद रेडियस को ऐसे कर देना है ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट राइट ठीक है फ्रेंड्स, देख सकता आपको कोई प्रॉब्लम आया तो कमेंट बॉक्स पर कर सकता आपको, ओके कर देना है फ्रेंड्स। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक पर जाना है, जाने के बाद इनेबल कर देना, स्टॉक देखा तो आपको थंबनेल अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, देख सकते एच डी प्लस प्रो। उसके बाद ओके कर देना फ्रेंड्स, हाउ टू मेक एच डी प्लस प्रो थंबनेल, यहाँ पर जाना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है, डिलीट कर देना है, आपको यहाँ पर थंबनेल लिखना है, थंबनेल लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ओके कर देना। ओके कर देने के बाद फ्रेंड्स ये साइज अच्छे से आपको यहाँ ऐसे रखना है, रखने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टाइल पर जाओ, बोल्ड करो, करने के बाद फ्रेंड्स फॉन्ट पर जाओ, कोई भी एक फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना, ओके कर देना। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर लगा सकता है, यहाँ पर कलर चूज कर सकता है, एक कलर यहाँ पर आप यहाँ पर आपको क्या कलर देना है, आप रेड दीजिए, रेड दीजिए, रेड देने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाना है, इनेबल कर देना है, इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हाँ येलो अच्छा लग रहा है, येलो देना है। देने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये लेफ्ट थोड़ा सा टॉप नहीं फ्रेंड्स, टॉप अच्छे से रखना है, लेफ्ट राइट थोड़ा सा। देने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है रेडियस, रेडियस पर जाने के बाद फ्रेंड्स ऐसे ऐसे कर सकते आप, ऐसे कर देना है, करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट राइट अच्छे से मेजरमेंट कर लेना है, राइट लेफ्ट अच्छे से आप देख लेना है, ओके कर देना फ्रेंड्स। ओके करने के बाद आपको स्ट्रोक पर जाना है, स्ट्रोक आपको देना है, स्ट्रोक देगा तो आपको थंबनेल अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको देखा देना प्लस वाला बटन पर आपको आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जाना है फ्रॉम ग्लैरी, ग्लैरी पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए, फोटोज पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो यहाँ पर हम डाउनलोड करके रखा वो फोटो यहाँ से हम सिलेक्ट कर ले रहा है, यूट्यूब का फोटो ये सिलेक्ट कर ले रहा है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स ऐसे आपको क्रॉप कर लेना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ पर रखना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अच्छे से लगाना है। और आपको क्रिएट करने के लिए कोई दिक्कत आएगा तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। इसको बाद एच डी प्लस प्रो थंबनेल कैसे आपको सेव करना है, उसके लिए आपको जाना है सेव बटन पर। ये ट्रिक सबसे अच्छा ट्रिक है, कोई आपको नहीं बताएगा। सेव एस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, सेव एस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एच डी प्लस प्रो कैसे क्रिएट हो जाएगा देखो, यहाँ पर कस्टम पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर कस्टम आपको सेव नहीं करना है, आपको कस्टम पर पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एच डी प्लस प्रो यहाँ पर
मीडियम लो कस्टम डिफॉल्ट है, वेरी हाई है। उसके बाद आपको प्रो एच डी प्लस प्रो करना है तो अल्ट्राफास्ट सिलेक्ट कीजिए। हम अल्ट्राफास्ट सिलेक्ट कर रहा है, करने के बाद आपको सेव टू ग्लारी इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको दोनों थंबनेल का फर्क आपको दिखा दूंगा, कैसे आपको एच डी प्लस प्रो होता है और कैसे नॉर्मल थंबनेल होता है आपको दिखा दे रहा है। उसके बाद इंटू पर क्लिक कीजिए, कोई भी अगर ऐड आएगा तो। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, दोबारा आपको दिखा दे रहा कैसे यहाँ पर कस्टम रहेगा, कस्टम पर सेव करके आपको दिखा दे रहा। अरे एच डी प्लस तो प्रो हम सेव कर लिए। उसके बाद आपको गैलरी पर जाना है, जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो थंबनेल है यहाँ पर पिक्सल पर शो होगा फ्रेंड्स, आपको देखना है अभी जो सेव किया वो कस्टम सी ओ यू एस कस्टम थंबनेल है, ये कस्टम थंबनेल। उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो फ्रेंड्स, आपको ध्यान से देखना है, ये वाला कोई आपको छूट नहीं जाएगा। देखिए कोई आपको स्क्रेच नहीं पड़ेगा यहाँ पर देख सकता, जितना जूम करेगा। और ये थंबनेल लगाने से आपको यूट्यूब पर जल जल करेगा, आपको जो अच्छा अच्छा दिखेगा। और ये वाला थोड़ा सा डाउन दिखेगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये पर जूम कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो घोला हो जा रहा है ये थोड़ा थोड़ा डाउन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए अच्छा से देखिए फ्रेंड्स, टी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये वाला टी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टी का जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है, थंबनेल थोड़ा सा डाउन है देखिए फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड्स आप अच्छा से कॉम्बिनेशन करके देखिए, आपको ए वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब